आप उस ट्राली से ना ये वजन उतार के ना इस ट्राली को लोड कर रहे हैं। कहता था कि मैंने आज रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज। उसने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उसने ट्राली तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबशर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर के साथ हूं। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तभी मैं इधर आया हूं। तो इस साइड हमारी ये सारी कमांद की फसल है। तो अभी ना इधर ये ट्राली वाले आए हुए हैं, तो पहले ना लोगों ने यहाँ से कमांद की फसल को काटा है और गन्ने वगैरह जो है वो लहदे किए हैं। तो अभी ना गन्ने जो है वो ट्राली पे रखे जा रहे हैं। तो ये देखें जी, और इस साइड ना भी ये गन्ने वगैरह जो है ना कुछ पड़े हुए हैं वहाँ पे। ये देखें, ये दो ट्रालियाँ हैं यहाँ पे मेरे ख्याल में, एक इधर पीछे खड़ी छोटी और इस साइड ना ये बड़ी वाली ट्राली। ये दो ट्राली हैं, दो ट्रालियाँ। वो दूसरे के साथ ट्रैक्टर नहीं खला ना। तो अभी अबू जी फिरते हैं उधर घर। तो अबू जी ने मुझे इधर भेजा था कि आपने इधर खड़े होकर इनकी रखवाली करो, क्योंकि ना बच्चे जो है ना वो गन्ने वगैरह है ना यहाँ से उठा लेते हैं और उनको ना खराब करते हैं। तो वैसे भी ना अभी ना स्कूल को छुट्टी हो रही है, तो मैं भी स्कूल से आप पहले आ गया हूँ क्योंकि जुम्मा है। तो सब लोगों को सबसे पहले जुम्मा मुबारक। तो जुम्मे वाले दिन ना हमें छुट्टी जो है ना वो जल्दी होती है। और इस साइड ना ये कुछ पड़ा है, इसका पता नहीं क्या है। ये क्या चीज है? ये क्या? अच्छा, जो ट्राली उठाता है। तो ये है जैकपड़ है, ये जो ट्राली उठाता है। और ये देखें काफी वजनी है। ये देखें, असल में ना ये जो गन्ने हैं ना इनके ऊपर से जो छिलके होते हैं उसको ना हमारी जबान में खोरी बोलते हैं। और ये जो खोरी होती है ना ये जलाने के लिए काम आती है। अक्सर लोग ना इनको तंदूर में जलाते हैं रोटियां वगैरह पकाने के लिए। तो अभी ना यहाँ पे लोग आए हुए हैं और वो खोरी वगैरह जो है इकट्ठी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मैं तो लेने जा रहा हूँ घर से पानी इन ट्राली वालों के लिए। और यहाँ पे ना पहले एक औरत आई है, तो उसने मुझे कहा कि मैंने खोरी लेनी है, तो मैंने कहा उठा लो। जलाने के लिए उठा ले, वही ना जाया हो जाएगी। मैंने फिर उनको कह दिया कि ना उठा लो काम आ जाए, क्योंकि ना लोग यहाँ पे तंदूर वगैरह में जलाने के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके लिए पानी लेने के लिए। अबू जी, ये पहले आपने इस ट्राली पे गन्ने लोड किए फिर उनको नीचे उतार ले, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस टोकर में उन्होंने जो गन्ने लोड किए ना इनका वजन ज्यादा था, तो जो ट्राली बनी हुई है ना, हाँ जी, ट्राली जो है दरमियान से टूट गई है वजन ज्यादा होने की वजह से। तो आप उस ट्राली से ना ये वजन उतार के ना इस ट्राली को लोड कर रहे हैं। तो नीचे से ना ये जो पहिए है ना, पहिए हाँ जी दरमियान से टूट गई है। और जी मेन वजह यही है, ये लड़का खड़ा ना ड्राइवर, हाँ जी, ये कहता था कि मैंने आज रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है आज। उसने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उसने ट्राली तोड़ दी। हाँ जी, तो अभी मैं ना इस गन्ना वाले ट्राली के नीचे आके बैठ चुका हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ट्राली कहाँ से टूटी है। तो ये आप देख रहे होंगे लोहा सा है, ये मेरे ख्याल में टूटा है। तो इस वजह से इस ट्राली से ना गन्ने जो है वो भी उतार रहे हैं। और इस साइड देखें, ये लोहा जो है ना ये सही खड़ा हुआ है और इस साइड से ये ट्राली टूटी है। ये देखे, इस तरह ये टूटी है। अबू जी वो तो काफी ज्यादा टूट गई अंदर से, वो कोई राड सा था अंदर इस गार्डर की तरह, वो आधे से भी ज्यादा टूट गया है। अगर ना थोड़ा सा वजन और डालते वो बिल्कुल टूट जाना था उसने। जी उतारो ताकि ना आपका नुकसान कम हो जाए, नुकसान हो जाना था उनका और हमारा भी नुकसान हो जाना था, क्योंकि अगर ये रस्ते में लेके जाते तो रस्ते में सारे जो गन्ने वो गिर जाते, नुकसान होता। तो अभी तो इधर ही खड़े हैं ना, तो ये भी खड़ा हो गया जी, तो यही रख भी सकते हैं जी। चलो इधर ही पता लग गया कि नीचे से ट्राली का राड टूट गया है, आगे पता पक्की सड़क पे ले जाते कहीं रस्ते में गिर जाते, ये नुकसान मजीद हो जाता था जी। हाँ जी, तो अभी मैं इधर बाहर आया हूँ, तो आसमान पे ना बादल छाए हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से मौसम जो है वो काफी प्यारा बना हुआ है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैंने सोचा कि ना इधर फसलों में थोड़ा सा घूम लेते हैं और आप लोगों के साथ भी मौसम जो है वो भी शेयर कर देते हैं। तो इस साइड ना ये क्यूट बेबी खड़ा हुआ है गाय का माशाल्लाह से, इस साइड ना सारी ग्रीनरी ग्रीनरी है इस साइड, ये देखें माशाल्लाह से काफी खूबसूरत भी आ रहा है। ये देखें ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वहाँ पर सारे येलो कलर के फूल लगे हुए हैं इस तरह के और काफी खूबसूरत लगते हैं ये। तो इसी के साथ आज की वीडियो का ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बरवक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना दिल से रखा रखिए। अल्लाह हाफिज़।